हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसएस किचन। मैं हूं शैली। दोस्तों, आज हम अपने किचन में मालूम है क्या बनाने जा रहे हैं? टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं हर पार्टी की शान और हर पार्टी की जान, यमी पनीर टिक्का पार्टी स्टाइल। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ एंड बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी आधा कप हंग कर्ड, या आप थिक कर्ड भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें लूँगी, ये बेसन है मेरे पास आधा कप, ये मैंने भून लिया था तवे पे। इसमें मैं डालूँगी दो छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा इज अ मस्ट फॉर दिस रेसिपी, आई एम टेलिंग यू। एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच से भी कम मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच ले रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, पिंच ऑफ फूड कलर, एक चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन एक चम्मच ऑयल, और इसमें डालूँगी आधा नींबू का रस। इसको भी मैं कर लूँगी इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स। मसाला हमने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी पनीर के पीसेस, और इसको मैं हल्के हाथ से इसके अंदर कोट कर लूंगी। ये हमने पनीर को मसाले के साथ कोट कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, ताकि जो मसाला है और उसके जूसेस हैं वो पनीर के अंदर अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम इसके टिक्के बनाते हैं। जितना हमारा पनीर मैरिनेट हो रहा था, हमने ये सारी वेजिटेबल्स काट के रख लिए। रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर एंड अनियन, इनको मैंने बड़ा बड़ा क्यूब में काट लिया है। इनको भी मैं इसी पनीर के साथ ऐड कर दूँगी, ताकि जो बेसन की और दही की कोटिंग है वो इन वेजिटेबल्स पे भी अच्छी तरीके से हो जाए। और इनको मैं मिक्स कर देती हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैंने ये इस तरह से स्क्यूअर्स लिए हैं, और इनको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगा दिया था। आप भी अगर वुडन स्क्यूअर्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको आधा घंटा पानी में भिगा दीजिए। इस तरह से हम अपने सारे टिक्के असेंबल कर लेंगे। इस तरह से हमारे पनीर टिक्का असेंबल हो गया है। चलिए अब इनको सेकते हैं। अब क्योंकि हम पनीर टिक्का पैन पे बनाने वाले हैं, तो मैंने रखा है उसके लिए एक तवा, और इस पर मैं थोड़ा सा ड्रिजल करूँगी ऑयल। अब हम इस पर रखते हैं टिक्का स्टिक्स इस तरह से। इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे, और हल्का सा ऑयल डालेंगे इस तरफ भी। एक साइड से देखते हैं सिक गया है या नहीं। वेरी नाइस। और इसको पलट देंगे इसको भी। इस तरह से हमारा पनीर टिक्का चारों तरफ से सिक करके एकदम तैयार है। ये देखिए, सो फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी यमी पनीर टिक्का बन करके एकदम रेडी है। आई होप इससे इजीएस्ट वे आपको नहीं मिलेगा पनीर टिक्का बनाने का, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा।
बहुत अच्छा बनता है और आपके फैमिली में या आपके घर में कोई पार्टी हो या किटी पार्टी हो तो आप इसको झटपट से बना करके सर्व कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।